हर साल की तरह इस साल भी बिग बिलियन डे सेल आ चुका है, बिल्कुल आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। और इस साल भी सेल में बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से बहुत सारे नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। इस सेल में एप्पल, रियलमी, ओप्पो, पोको, शाओमी, इन सब ब्रांड्स का स्मार्टफोन खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डे सेल होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस सेल में सारे के सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के ऊपर आपको जो है बहुत भारी भरकम डिस्काउंट एंड ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। और इस साल भी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल में 10 नए स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च हो रहा है अलग अलग प्राइस रेंज में, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आईफोन यूजर्स के लिए ये टाइम जो एकदम हेवन जैसा है, क्योंकि इस साल आपको आईफोन 12, आईफोन मिनी, आईफोन SE ये तीनों स्मार्टफोन्स में आपको बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि आईफोन 11 यूजर्स को यहाँ पे आईफोन 12 में अपग्रेड करनी चाहिए, बिकॉज आईफोन 12 में आपको OLED डिस्प्ले मिलता है, 5G का सपोर्ट है, तो यहाँ पे आईफोन 12 जो है काफी फ्यूचर प्रूफ यहाँ पे एक डिवाइस है। साथ में अगर आपको थोड़ा सस्ते में आईफोन लेना है तो यहाँ पे आप आईफोन SE को भी देख सकते हो, क्योंकि आईफोन SE में भी आपको एप्पल का A13 बायोनिक चिप यूज करा गया है, जो कि आपको एप्पल का आईफोन 11 में भी देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आईफोन SE में आपको एप्पल का आईफोन 11 जितना ही परफॉर्मेंस मिलेगा। साथ ही में अगर आपके पास पैसों का कमी है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है नो कॉस्ट EMI विद जीरो इंटरेस्ट का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और इस सेल में इवन आप अपने पुराने स्मार्टफोन्स को एक्सचेंज करके ₹1000 या फिर उससे ज्यादा का डिस्काउंट पा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप जो है कौन सा यहाँ पे स्मार्टफोन एक्सचेंज कर रहे हो। और साथ में ये सारे डील्स के ऊपर अगर आप ICICI या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड यूज करते हो तो फ्लिपकार्ट जो आपको ऑफर सेल में प्रोवाइड करने वाला है उसके ऊपर भी आप जो 10% का एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हो ICICI या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड को यूज करके, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही ऑप्शन है। फ्लिपकार्ट का एक और बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसमें आप जो है फोन का 70% अमाउंट पे करके आप जो है अपना फोन घर ले जा सकते हो या फिर आप जो है फोन खरीद सकते हो। एंड ये जो ऑफर है ये रियलमी 8S, ओप्पो रेनो एंड या फिर रियलमी GT सीरीज में अवेलेबल है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के इस वीडियो में और डिटेल में बात करने वाले हैं। इस बार के जो बिग बिलियन डे सेल है इसमें जो नए 10 स्मार्टफोन्स यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं उनमें से कुछ स्मार्टफोन्स को लेकर मैं खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे कि रियलमी का नार्जो 5 है जिसमें आपको 6000mAh बैटरी के साथ साथ 50MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, वो भी अंडर ओनली 10,000 rupees, दैट इज अमेजिंग। उसके बाद मोटरोला का H20 Pro भी है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 चिप के साथ साथ एक 108MP का कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें आप जो है अप टू 50 times जूम कर सकते हो। भाई ये फोन है कि टेलीस्कोप। एक और फोन मुझे काफी सही लगा जो कि है वीवो का X70 Pro एंड इसका कैमरा भाई काफी प्रोफेशनल ग्रेड का है। बेसिकली इसमें आपको एक गिम्बल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि वीडियोग्राफी के लिए बहुत सही रहेगा। साथ ही में इस कैमरा में आपको जाइस का लेंस यूज कराया गया है, तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी, इमेज क्वालिटी जो है बहुत ही शार्प एंड क्रिस्प आएगा। 225,000 rupees में ये बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है स्पेशली कैमरा लवर्स के लिए। आईफोन में भी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, इस बार आपको इस सेल में आईफोन 12 मिल रहा है ओनली एंड ओनली ₹50,000 में, लाइक 50,000 rupees में, और आईफोन 12 मिनी आपको मिल सकता है अराउंड 40,000 rupees में। और खास बात यह कि इस साल आपको आईफोन SE मिल रहा है ओनली एंड ओनली 26,000 rupees के रेंज में, तो आईफोन लवर्स के लिए ये जो टाइम है वो एकदम सुनहरा मौका है आईफोन खरीदने का। और हाँ आईफोन 11 वालों, मैं आप ही को कह रहा हूँ अब तो अपडेट कर लो आईफोन 12 में, क्योंकि आईफोन 12 में OLED डिस्प्ले आ चुका है, आईफोन 12 में 5G का सपोर्ट आ चुका है, तो आईफोन 12 या फिर आईफोन 12 मिनी जो है टोटली फ्यूचर प्रूफ है। तो मेरा मानना तो इस सेल में आईफोन 12 या फिर आईफोन 12 मिनी में से कोई एक ले ही लो। और जैसे कि मैंने कहा था कि फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड प्लान के साथ साथ आप जो है कोई भी स्मार्टफोन का सिर्फ और सिर्फ 70% पे करके आप जो है स्मार्टफोन को अपने लिए खरीद सकते हो। और इस बार ये वाला स्कीम बहुत सारे पेमेंट मेथड पे यहाँ पे अवेलेबल है, इवन इस बार आप इस स्कीम का फायदा जो है कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर भी ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करना है, दैट्स इट, आपका काम बन चुका है। और एक साल बाद या तो अपने फोन को रिटर्न कर सकते हो फ्लिपकार्ट में, या फिर बाकी का 30% पे करके फोन आप अपने पास रख सकते हो। अब इस सेल में फोन्स तो बहुत सारे हैं, बट मेरा कुछ पर्सनल पिक्स है जो कि मुझे लगता है काफी बढ़िया स्मार्टफोन्स हैं। मैं आपको हर एक रेंज में कुछ स्मार्टफोन बता देता हूं जो कि मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं वो वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन्स है जो कि आप इस सेल में खरीद सकते हो। ₹7,000 का नीचे का बजट में आप जो रियलमी का C11 देख सकते हो, 5000mAh का बैटरी, 6.52 inch का HD+ डिस्प्ले, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। या फिर आप इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5 भी देख सकते हो, इसमें आपको थोड़ा बहुत बिगर बैटरी देखने को मिल जाता है, 6000mAh का बैटरी, और इसका जो स्क्रीन है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, 6.82 inch का HD+ स्क्रीन है इसमें, तो मीडिया कंजम्पशन एंड ऑफिस वर्क के लिए ये वाला जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब जिनका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि ₹7,000 से लेकर ₹10,000 तक का बजट है, तो यहाँ पे आप जो है पोको M3 भी ले सकते हो। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ साथ 6000mAh का एक बड़ा बैटरी भी देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। और ये जो स्मार्टफोन है ये पूरे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है, तो इस स्मार्टफोन को काफी लोगों ने पसंद किया है बिकॉज ये बजट रेंज में आता है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। या फिर आप कैमरा के शौकीन हो तो आप रियलमी का नार्जो 50 भी देख सकते हो, जिसमें आपको
50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है विद 6000 mAh बैटरी। तो आप जो है सारा दिन फोटो खींचते रहना है इसके साथ विद अ सिंगल चार्ज, या फिर मे बी आपको सैमसंग पसंद है तो आप सैमसंग का गैलेक्सी F12 भी देख लो। 6000 mAh का बैटरी एंड 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा। एंड आई होप कि मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं है कि सैमसंग का जो कैमरा क्वालिटी है वो कितना तगड़ा होता है, कितना क्रिस्प एंड कितना बेहतरीन होता है। तो 7000 रुपए से लेकर 10000 रुपए के रेंज में मुझे ये 3 स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया लगा। अब अगर आपका बजट 10000 रुपए से लेकर 15000 रुपए तक का है तो इस सेल में आपको इस बजट में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। सुपर एमोलेड लवर्स के लिए Realme का 8S 6GB 128G वाला वेरिएंट, साथ में 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा है। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले एंड कैमरा का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो ये वाला स्मार्टफोन वीडियोग्राफी एंड मीडिया कंजम्पशन यूजर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस रहने वाला है। और मेरे गेमर्स भाई लोग, आप लोग मोटो G40 फ्यूजन की तरफ नजर मार सकते हो। 120Hz का डिस्प्ले विद 6000 mAh बैटरी के साथ आप सारा दिन गेमिंग कर लो ऑन स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर विथ नो लैग। तो BGMI लवर्स के लिए ये वाला जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बिकॉज इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी अच्छा मिलेगा एंड इसमें आपको एक फास्ट डिस्प्ले मिलता है तो उसका भी आप एडवांटेज उठा सकते हो। गेमिंग के लिए आप एक और स्मार्टफोन को भी देख सकते हो जो कि Realme का Narzo 30, जो कि आता है MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर के साथ और इसमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा भी दिया गया है। तो यहाँ पे गेमिंग एंड फोटोग्राफी के लिए ये वाला जो स्मार्टफोन है वो अंडर 15000 रुपीज बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। अब अगर आप अपना बजट थोड़ा बहुत और बढ़ाते हो, लाइक 15 से 20000 रुपए तक का लेके जाते हो, तो इस बजट में आप Realme का GT Master Edition की तरफ भी यहाँ पे नजर मार सकते हो। इसमें आपको 120Hz का AMOLED डिस्प्ले मिलता है विद Snapdragon 778 प्रोसेसर के साथ जो कि 5G को सपोर्ट करता है। तो ये वाला जो स्मार्टफोन ये टोटली फ्यूचर प्रूफ है। तो अगर आपको काफी अच्छा खासा फ्यूचर प्रूफ OLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो गो फॉर दिस वन। अब इस प्राइस रेंज में अगर आपको हाई रेजोल्यूशन कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पे आप Motorola का H20 फ्यूजन की तरफ नजर डाल सकते हो। इसमें आपको ह्यूज 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जिसके जरिए आप जो है उठता हुआ प्लेन का जो यहाँ पे पैसेंजर्स है उसको भी यहाँ पे जूम करके देख सकते हो। दैट इज लिटरली अमेजिंग। साथ में 5G का सपोर्ट, 90Hz का AMOLED डिस्प्ले मेक दिस स्मार्टफोन मोर वर्थवाइल। मेरे हिसाब से अगर आप हाई रेजोल्यूशन कैमरा के फैन हो एंड आपको उस फोन में OLED डिस्प्ले भी चाहिए तो गो फॉर दिस Motorola H20 फ्यूजन, बिकॉज इसमें आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाता है, साथ में इसमें आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। या फिर शायद आपको बड़ा बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पे आप सैमसंग का F62 को भी ले सकते हो। 7000 mAh का ह्यूज बैटरी है, इसमें आता है सैमसंग का Exynos 9820 प्रोसेसर के साथ जो कि एक टाइम में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में आया करता था। तो वही सेम प्रोसेसर आपको अभी 20000 रुपए के अंडर मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से काफी सही डील है। तो यहाँ पे आप जो डेफिनेटली सैमसंग का जो F62 है उसको जरूर चेकआउट करना। अब अगर आपका बजट 20000 रुपए से लेकर 30000 रुपए तक का है तो यहाँ पे आप जो ओप्पो रेनो 6 5G एडिशन को भी देख सकते हो, क्योंकि रेनो सीरीज का जो डिजाइन है वो काफी यूनिक है। आता है MediaTek का Dimensity 900 प्रोसेसर के साथ। कैमरा इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जिसमें आपको पोर्ट्रेट मोड, बोके मोड एंड वो जो फ्लेयर मोड है वो सभी कुछ देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको एक बहुत ही यूनिक डिजाइन का स्मार्टफोन चाहिए विद गुड कैमरा सपोर्ट तो यहाँ पे आप जो ओप्पो रेनो 6 का जो 5G एडिशन है इसको भी कंसिडर कर सकते हो। या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत और बेटर कैमरा चाहिए तो यहाँ पे आप जो Motorola का H20 को भी देख सकते हो, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 5G को भी सपोर्ट करता है। तो ये वाला जो स्मार्टफोन है ये भी टोटली फ्यूचर प्रूफ है विद हाई रेजोल्यूशन कैमरा सपोर्ट। अब अगर मेरे पास 30000 रुपीज से भी ज्यादा बजट होता तो डेफिनेटली मैं Vivo का X70 Pro को यहाँ पे कंसिडर करता, क्योंकि इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ साथ इसमें आपको Zeiss लेंस का भी यूज करा गया है जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ही शार्प एंड क्लियर इमेजेस देखने को मिलेगा। और ये गिम्बल कैमरा है तो वीडियोस बहुत ज्यादा स्मूथ आएगा। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर सिनेमैटिक वीडियोस के लिए Vivo का जो X70 Pro है वो मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट चॉइस रहने वाला है। या फिर यही सेम प्राइस कैटेगरी में Realme GT 5G भी आता है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप 888 चिप देखने को मिल जाता है। साथ साथ इस फोन में आपको 65W का डार्ट चार्ज सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चुटकी बजाते ही आपका जो फोन है वो यहाँ पे फुल चार्ज हो जाएगा और मेरे लिए ये जो फीचर है ये इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा फीचर है। तो यहाँ पे अगर आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करना है विद सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो डेफिनेटली आप जो Realme GT 5G एडिशन को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। और साथ में आपको पुराने स्मार्टफोन्स एक्सचेंज ऑफर तो मिल ही रहा है और इस बार इवन आप अपने कीपैड फोन्स को भी एक्सचेंज करके मिनिमम 200 रुपए तक का यहाँ पे ऑफ पा सकते हो जो कि मेरे हिसाब से काफी सही चीज है। ऊपर से फ्लिपकार्ट आपको नो कॉस्ट EMI भी ऑफर कर रहे हैं थ्रू बजाज फाइनेंस, तो शॉपिंग करते टाइम थोड़ा बहुत आपका और बचत हो जाएगा। और इस बार पहली बार फ्लिपकार्ट का पे लेटर EMI यहाँ पे लॉन्च हो रहा है जिसकी वजह से आप जो है 3 मंथ से लेकर अप टू 48 मंथ्स तक के यहाँ पे EMI ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही चीज है। और अगर आपको सेलर हो, आपका अपना बिजनेस है तो यहाँ पे आप जो है GST का 18% भी सेव कर सकते हो इस स्मार्टफोन को यहाँ पे खरीदते टाइम। इस सेल में सबके लिए ऑफर्स अवेलेबल है, चाहे आप सेलर हो, चाहे आप बायर हो, चाहे आप कुछ और हो, सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स यहाँ पे आपको इस सेल में आपको देखने को मिल जाएगा जिसके वजह से आप शॉपिंग के टाइम ढेर सारा पैसा सेव कर सकते हो। तो इस साल का बिग बिलियन डे सेल यार बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मैं चलता हूँ यार, मुझे बहुत सारे शॉपिंग्स करने हैं। बाय।
हैं।